तो गैसों का विनिमय की शुरुआत हम लोग करते हैं, कैसे विनिमय होता है, मान कैसे गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। देखो, कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थान होती है। जो कुपिकाएं होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो यही कुपिकाओं में जो होता है वायु जाकर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थानों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विषयन द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विषयन में समणी छिलिया की मोटाई भी विषयन के दर को प्रभावित करने के कुछ प्रमुख घटक होते हैं। देखो यहाँ पर चित्र बनाया है, शरीर ऊतक, ये ऊतक है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये सिस्टमेटिक सीरा है जो बी ऑक्सीकृत का मतलब बी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए, बी ऑक्सीकृत का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मान ऐसे रक्त जिसमें बी ऑक्सीकृत का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इधर देखो लिखा होगा ऑक्सीकृत, देखो जितना ही नीलका है ना, नीला रंग जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें रक्त तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बी ऑक्सीकृत करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। सिस्टमेटिक धमनी, सीरा में तो जानते ही होंगे ना, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वही। तो देखो सिस्टमेटिक सीरा है, बी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और देखो फुफ्फुस धमनी, माने फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। याद है धमनी में तो पढ़े होंगे, धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऊपर देखो लिखा है कुपिका, देखिए अंतःश्वसित वायु दिखाता, अंतःश्वसित वायु, अंतःश्वसित का मतलब जिसको हम अंदर लेकर के जा रहे हैं, अंदर लेकर के जा रहे हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और निःश्वसित का मतलब जो छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस O2 है, फुफ्फुस सीरा में आ रहा है, फिर फुफ्फुस सीरा से होता है। फुफ्फुस सीरा में कहाँ है ये देखो, हम जानते होंगे सिराओं में जो रक्त होता है वह शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस सीरा एक ऐसा होता है जिसे जितना ही लड़का दिखा रहे हैं सब में शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। कह रहे गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, और इसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PO2, माने PO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन का दाब, P का मतलब प्रेशर, तथा CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के दाब द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विषम स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब तालिका 17.1 और 17.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता को संकेत देते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन के घुलनशीलता से 20-25 गुना अधिक होता है। अगर ऑक्सीजन के जल में घुलोगे ना और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घुलोगे तो उससे 20-25 गुना कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुलनशील होता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही जल में घुलनशील होता है, ऑक्सीजन कम होता है, बहुत कम घुलनशील होता है। इसी ऑक्सीजन को ना जब जल में घुले होते हैं सब मछलियाँ या जल में रहने वाले जीव ग्रहण करके अपने जीवन को जीते हैं। अंतः विषण झिलका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विषण होने वाली CO2 तथा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विषण झिलका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। यह कुपिका के पतली सल की कला, कुपिकाओं के कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारित तत्व जो कि पतली आधारीय झिलिका की बनी होती है, तथा सहायक सल की उपकला आधारीय झिलका और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है। फिर भी इसकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऊतकों के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं के मिश्रण के लिए अनुकूल होती है। देख रहे हो कुपिका के भीतर की सल की, यही मैंने आपका दिखा रहा है, इसमें बना होता। तो थोड़ा सा पहले लिखो हेडिंग में, गैसों का विनिमय। गैसों का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो हेडिंग में देखो, जब शरीर के अंदर, जब शरीर के अंदर उपस्थित गैसों को एक स्थान से दूसरे
दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे गैसों का विनिमय कहते हैं। उसे गैसों का विनिमय कहते हैं। जब शरीर के अंदर उपस्थित गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे गैसों का विनिमय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, ठीक। आप तो लिख लेना बी ऑक्सीकृत रक्त, याद है जिसमें ऑक्सीजन है। ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है तो उसे बी ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। मैंने ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है तो उसे बी ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। यह रक्त सिराओं में बहता है। नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना। फुफ्फुस धमनी नहीं, पर सिरा की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं फुफ्फुस सिरा। एक ऐसा सिरा होता है जिसमें फुफ्फुस सिरा एक ऐसा सिरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। याद कर लो सब। अभी बी ऑक्सीकृत रक्त का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है उसी को हम लोग कहते हैं बी ऑक्सीकृत रक्त। लेकिन सब ये रक्त जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं सब ये सिराओं में ही बहते हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा एक ऐसा सिरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बना लो ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त मिला दे सब। लिख लो ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो उसे ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। ऑक्सीकृत यह रक्त धमनियों में बहता है। यह रक्त धमनियों में बहता है।
दुश्मनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। चित्र तुम लोग बना लेना, ठीक है? जो चित्र है, चित्र 17:3 वाला बना लेना। यहाँ चित्र 17:3 जो दिया गया है, बना लो भैया कि बना दें। चलो अब आओ, गैसों का परिवहन। नमस्ते, गैसों का परिवहन यहां से हेडिंग बना लो बाबू, गैसों का परिवहन। पहले क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग, तनि हल करके दिखाओ। चलिए तो आओ, गैसों का परिवहन। देखो, गैसों का परिवहन का मतलब ये होता है कि गैसों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या फिर ऑक्सीजन हुआ। एक बार ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। करे इसमें O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। आप पढ़े भी होंगे ना, हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है और रक्त के द्वारा जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97%, यही कह रहे थे कलिए ना जी, 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा में घुले अवस्था में होता है। लगभग 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा उपस्थित होता है। हमारे गैसों के परिवहन में प्रमुख रूप से दो चीज़ें आती हैं। एक तो ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और एक कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन। तो अगर बात, जैसे आपकी बात कोई पूछे, अगर बात आप करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है 97% लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है वह पहुँचाने का कार्य करती है। 3% जो प्लाज्मा होता है वह ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। जबकि बात है कार्बन डाइऑक्साइड की होगी तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। 70% लगभग बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और 7% लगभग प्लाज्मा के द्वारा होता है। याद हुआ? एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। लिखो, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं, ठीक है? आगे आप लिख सकते हैं कि लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त
काणी काव के द्वारा, काणी काव के द्वारा तथा 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसी प्रकार 20-30% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तथा 7% CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। कुछ याद आया आप लोग? जल्दी से क्या आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के रहने से कोई नुकसान है बता सकते हैं? क्या नुकसान होता अगर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रह गया तो बाहर नहीं निकलेगा तो? कोई नुकसान बोलिए, कोई नुकसान होगा नहीं बताएंगे? गठिया रोग हो जाएगा, शरीर में दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, शरीर का हर एक अंग में दर्द हो जाता है, कब मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा क्या जानते हो क्या होता है? शरीर में लगातार पानी की कमी होने लगती है, और इस पानी को कमी को दूर करने के लिए बार बार आपको पानी पीना पड़ता है, जिससे बाद में व्यक्ति को अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। बहुत ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना शरीर से बाहर, नहीं निकला तो शरीर पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें। आप गैसों का परिवहन समझ गए ना? या अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखो ऑक्सीजन का परिवहन हेडिंग, पहले समझ लेना है तब तो हम लोग को लिख लेना है। आज ये चैप्टर हो रहा है फिनिश, लेकिन आज नहीं कल फिर पढ़ेंगे तो फिनिश होगा, कल तो नहीं आप पहले आएंगे तो सही रहेगा। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, जरा बताइए कि ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है? 11 के जन पढ़ाई बनाया, एक कंपटीशन लाइक है, मैं समझ रहे हो, खूब बढ़िया। देखो कितना भर्ती निकल रही डॉक्टरी में, एम्स में 950 सीटें हुआ है, अब इस समय एम्स में 950 सीट हो गया है। तुम अच्छा से पढ़ो, निकल तुम लोग एक ही बार में निकल जाएगा, बहुत मेहनत करते हो। नौकरी भी हो जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा, खूब चमचमाती होगी। ऑक्सीजन के परिवहन में आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। देखो
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त तो बणक होता है, याद है जो हीमोग्लोबिन होता है किसमें पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त तो बणक होता है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणु के वहन कर सकते हैं, माने एक जन हीमोग्लोबिन का अणु बानो वो 4 गो ऑक्सीजन अणु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। बहुत कॉम्पिटिशन वाला क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन के अणु कितने ऑक्सीजन को एक साथ लेकर के जाते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं एक बार में 4 ऑक्सीजन के अणु को लेकर के जा सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब से संबंधित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उत्तापक्रम उच्च अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा भाग वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र भी कहते हैं। देखो इस तरीके से कैसे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कणु जुड़े हैं, पहले जुड़ रहे हैं उसके बाद से घट रहा है, ठीक है। PCO2H आयन सांद्रता यदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है, कुपकाओं से जहाँ वो उच्च PO2 निम्न PCO2 कम सांद्रता H निम्न तापक्रम होता है, जहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि उत्कों में भिन्न PO2 उच्च PCO2 उच्च यच धनायन सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थिति ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़े की सतह पर बढ़ता है और उत्कों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन जनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्कों के लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्राप्त करता है, माने 100 मिलीलीटर रक्त में, समझ रहे हो, माने 100 मिलीलीटर रक्त में O2 हमको 5 मिलीलीटर क्या होता है प्राप्त होता है। तो पहले तो लिखो ऑक्सीजन के परिवहन में, देखो ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रक्रिया को ऑक्सीजन का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कहते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन कहते हैं। आगे देखना, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक वाहक के रूप में कार्य करता है, जो एक बाणक के रूप में कार्य करता है। आगे लिखना, हीमोग्लोबिन के अणु जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखो आगे, हीमोग्लोबिन के एक अणु
ऑक्सीजन के चार अणु को एक साथ परिवहन करता है, ये ध्यान रखना कि अगर किसका एक अणु है तो ऑक्सीजन के चार अणु को गति कराता है। हीमोग्लोबिन का बहुत महत्व है, आपको क्वेश्चन शायद दिया गया था उस दिन, लेकिन छोड़ छाड़ के आप लोग भाग गए। हिंदुस्तान का शेर न है, जब भी मौका मिले कोनो चीज़ का तो उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, समझ रहे बात को। मैं कल देखा 10 वाले बच्चियों के लड़कियों को, आगे वाले की भी लड़की कोनो क्वेश्चन नहीं बता रही थी, पीछे वाले सब लड़की बता दी, सोचो। तो मैंने देखा कि वो ये सिलसिला होता है ऐसा जिंदगी में। वैसे तो तुम लोग बहुत मेहनती हो, पूरा क्या भाई, अभी तुम लोग क्वेश्चन ढाई दे बताओगे, कुछ ही करेगी दहन किसा करते हैं बता देता है। तोरी की जाए को चीज ऐसे मा धरती पर जन ऑक्सीजन के बिना चल रही जरा उतर प्रतिदान के जरा से करो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहे आदमी के जरा सकल जगह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस संसार में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज नहीं चलेगा। चलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई चीज चलता है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन कैसे होता है आज उसी के बारे में हम लोग को जिक्र करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर के अंदर CO2 कैसे जाता है उसकी बात आज होगी। तो हेडिंग बना लो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। चलो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। देखो कुछ बातें बता दें आपको, पहले परिचय करा दें। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो हम इसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह बंधनीय CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होता है। PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कोशिकाओं में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 ऊंच होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात उत्को में हीमोग्लोबिन में बांधित CO2 कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है, मन कोशिका से बाहर निकलती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 प्लस H2O है, देखो कार्बोनिल हाइड्रेट लगाएं तो CO3 बनाए, फिर कार्बनिक एनहाइड्रेट लगाएं तो H CO3 पर माइनस H1। उत्को में अपचयन के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विषित होता है और H CO3 इसको कार्बोनिल कहते हैं और H ध्रावण बनाती है। कोशिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में उत्को स्तर पर ग्राहित और कोशिका द्वारा परिवर्तित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त होती है। 6.7 प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, उपस्थित होता है। प्रश्न पूछता है कि 100 मिलीलीटर अगर आप रक्त लेते हैं तो उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? 4 मिलीलीटर। और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 5 मिलीलीटर, यानी ऑक्सीजन तो नहीं अधिक होता है। CO2 का क्या होता है? कम होता है। हमारे शरीर में भगवान जो बनाए हैं उसकी बनावटें अलग हैं। O2 भी एक गैस है, लेकिन हमारे लिए कितना फायदेमंद है, जबकि CO2 है कितना नुकसानदायक है।
तो लिख लेते हैं, देखो बोल देते थे, नहीं लिख लोगे तो लिखो। आओ श्वसन का नियम, कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे इसको? देखो मानव में अपने जीव शरीर के उत्कों को मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है, मन जैसे शरीर को चाहिए वैसे। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडियुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोंछ क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है और इस प्रकार श्वसन दर को प्रवर्धित कर सकता है। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों को वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संकेंद्रीय संरचनाएं भी CO2 और H धनायन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान कर सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्रवाई हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन होता है। ठीक है, तो क्या समझे? जो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है उसको कौन नियमन करता है, संतुलित करता है? तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी कोशिका यही होती है, कौन? कितनी लंबाई होती है? 26 सेंटीमीटर। कहाँ तीक्षता करे, कितना होता है? तोड़ के जाएगा 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर। तंत्रिका तंत्र की लंबाई है नहीं मालूम? हाजिर है, कहाँ पाए थे तंत्रिका तंत्र? मस्तिष्क में। मालूम है, हाँ तो देख लो, फिर मान जा, प्लीज समझ लो। नहीं, श्वसन का नियमन कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और ध्यान रखना, जो तंत्रिका तंत्र होता है इसके अलावा शरीर में हमारे मस्तिष्क में एक और अंग होता है जो श्वसन को अच्छे तरीके से करता है, उसका नाम होता है श्वास प्रभावी। समझ रहे हो? श्वास प्रभावी। पहले के लो आप उत्तर में, पना निकल गया भाई किताब से, लिखो श्वसन का नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन विकार, जिसमें सबसे पहले आपका होगा दमा, इसी दमा को हम लोग कहते हैं अस्थमा। दमा में श्वसन श्वसनी और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा आप कह रहे हो गया श्वसनी शोध, ब्राउन चिटिस कहते हैं, ये श्वसन की शोध है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होता है जिससे लगातार खांसी होती है। वात स्फीत या एम्फाइसिस, यह चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान करके मुख्य कारकों में एक है, धूम्रपान करने से ये लोग होता है। व्यावसायिक श्वसनी रोग, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई होती है तोड़ा जाता है, वहाँ पर धूल के कण उड़ते हैं जिससे अनेक रोग हमें का होते हैं। ठीक है, फेफड़ा संबंधी, फेफड़े को नुकसान करते हैं और हमें रोग होते हैं। तो चारों के बारे में अपना मन से लिख लो, तो नहीं तो लिखा जाएगा। काली को उत्तर भी लिखते चलना। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में बाहर से वायु के फेफड़े तक जाने के मार्ग को सही क्रम बताइए। बाहर से वायु को फेफड़े तक जाने का सही क्रम बताइए। उत्तर भी लिख देते हैं, क्लिक कर रहा होगा।
पहले नासा मार, सब नासा छिद्र दिखा जाएगा। दूसरा लिखो, इसका उत्तर लिखा जाएगा ना। दूसरा है, एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंतर श्वसन प्रवाही के कुछ आयतन सांस के साथ भीतर ले जाता है, भीतर ले जाने वाले वायु को इस मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ता है, पुनः बलपूर्वक वायु खींचता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? याद है क्या कहते हैं? वाह, किताब आगे हो, टेंशन बताने में देरी नहीं लगती। तीसरा जाओ, श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। श्वसन गतियों में वायु का आकलन किया जाता है। लिखा जाएगा किसके द्वारा किया जाता है बताओ? मन श्वसन जो नहीं बात, दिल के धड़कन नापा जाता है ना, तो के का नाम है? स्पायरोमीटर। देखो, श्वसन की वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर से किया जाता है। स्टेथोस्कोप से शरीर की आंतरिक आवाज सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप देखे हो? देखा ना, डॉक्टर जो होता है कनवा में दो खून से रहते हैं, छतिया पर लगाते हैं। ये डॉक्टर बने में बड़ा फायदा हुआ, सब कुछ जान गए तहाँ लगाते रहता जाँच करते रहता, तुम्हें भी बनना फायदा उठाना। तो करके स्टेथोस्कोप कहा जा रहा। हाइग्रोडोमीटर वातावरण की आर्द्रता को नापता है। आइस्फेनोगोनोमीटर रुधिर रक्तदाब को लिख नापता है। चलो, तो ये को लिख लेना, ये आयाकार लिख लेना कि रक्तचाप के नापने वाले मशीन का नाम बताइए। याद है? हाँ, कितना तुम्हारा इंटेलिजेंट है, तुरंत बता देते हैं। नेक्स्ट लिख लेना, शरीर का आंतरिक आवाज को सुनी जाती है, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे शरीर के आंतरिक आवाज को सुनी जाती है। वातावरण की आर्द्रता, आर्द्रता माने वातावरण के आर्द्रता को नापा जाता है किससे? सतवा लिख लो, एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में कितने बार सांस लेता है? इतना पढ़ाई करो कि लोग याद करें। हम तो मैं इतना याद करेंगे का दित बाबू, यही एक लड़का मैं देखता हूँ रेगुलर एकदम पढ़ाई करता है, गंगुआ का। ये दो शेर हैं, बाकी सब सवा शेर हैं। सवा शेर, अगर मान लो तुम लोग कहीं जा रहे हो, भाई तीनों मिलकर बताना है, आज जंगल में जा रहे हो, अचानक तुम लोग शेर घेर लिया था, क्या करोगे? शेर तो चढ़िया जाता, और कोई उपाय बताओ? चढ़ जाएगा क्या करवा करीना?
मान लो शेर आ गया अचानक जंगल में यात्रा करने के लिए जा रहे थे, क्या करोगे? देखो सुनीता तू क्या करोगे राजा? तू क्या करोगे आदित्य? हम भी जानता हूँ तब से रास लेते हैं। मैं जंगल में कभी जाओगे ही नहीं, हद तो लगे थे। आदमी ताले के लिए जाता है, सीधा उसका आंसर होगा कि हमें नदी में कूद जाना चाहिए। नदी जंगल में नदी रहता ही है। तब बोले नदी होगा हम बोले का ये फिर हो गई जंगल में स्टैंड है, जंगल में नदी की रहता है ना। कंजरी खा लो, ये जंगल लेके टांग दिए लो, ये पेड़ एक नहीं थे। फिर कहाँ से शेरवा आएगा? खर पटवारी मुझे आई नहीं। हाँ सर कोई कहाँ शेरवा आएगा? हमें कोई शेरवा आएगा आगे लिखना। हिमोग्लोबिन के साथ ओटू के बंधन होने के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पहले चलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं बताओगे? नवा है ना? तब आप तो क्या कर देते? कार्बामीन हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? होता है कार्बा में हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसका। नहीं लिखेगा?